सिद्धार्थनगर के श्री सिद्धेश्वरी मंदिर के संचालक दुर्गेश मिश्रा ने मंदिर के एक पुजारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सदन थाने में तहरीर दी है। जानकारी के अनुसार मंदिर के संचालक ने संत शिव प्रसाद त्यागी पर मोबाइल चोरी समेत कई गंभीर आरोप लगाए। मंदिर के संचालक दुर्गेश मिश्रा का आरोप है कि संत शिव प्रसाद ने मंदिर से मोबाइल चोरी की। इतना ही नहीं, दुर्गेश मिश्रा ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराया। दुर्गेश मिश्रा का कहना है कि मोबाइल चोरी करते हुए शिव प्रसाद को मंदिर में लगे सीसीटीवी में साफ दिखाई दिए। उनका कहना है कि सदर विधायक के भाई मंदिर पर काबिज होना चाहते हैं, इसीलिए वे दूसरे साधु संतों को डराते धमकाते हैं और इस तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। मामला ये है कि परसों सुबह की अभी घटना है। मेरे साथ का लड़का शंभू नाम है, सोया हुआ था। ब्राह्मण विद्यार्थी हैं, साथ रहते हैं तो पूजा पाठ करते, तो वो सोए थे, तो उनका जो है मोबाइल चोरी हो गया। और जब सीसीटीवी फुटेज में चेक किया गया तो ठीक ठाक जिसने चोरी किया उसका बाकायदा उठाते हुए मोबाइल जो है आया जो है फोटो, और पूर्ण रूप से पता चला। तो उसको देखने के बाद मैंने थाने में तहरीर दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न किसी ने पूछने आया, बल्कि हमसे एसओ साहब ने कहा कि हम किसी को भेज के दिखवाएंगे। और ऐसे ही तमाम बार होता है कि जो है हमारे विरोधियों द्वारा बार बार जो है षड्यंत्र किया जाता है, यहाँ कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। और जब मैं प्रशासन को कहता हूँ तो प्रशासन केवल पुलिस के लोग आते हैं, उसमें भी उस तरह एक्शन नहीं लिया जाता जिस तरह होना चाहिए। न्याय अन्याय को देख के जो अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाता है। दरअसल संत शिव प्रसाद त्यागी बीजेपी के सदर विधायक श्याम धनीराही के भाई हैं। इस मामले में सदर विधायक श्याम धनीराही ने कहा कि फर्जी तरीके से दुर्गेश मिश्रा खुद को मंदिर का संचालक बताते हैं और वो उनके भाई को और उन्हें बदनाम करने के लिए इस तरह का झूठा आरोप लगा रहे हैं। ये जो तथा कथित ये संचालक बन रहे हैं, ये स्वयं पत्नी वाले हैं और इनका कोई आधार उस मंदिर पर नहीं बन रहा है, क्योंकि ये निराधार इस तरह से आए दिन ब्लेम लगाते हैं। शिव प्रसाद त्यागी जी हमारे परिवार में हमारे भाई के रूप में पैदा हुए हैं, लेकिन वो संत हो गए हैं। संत का कोई परिवार ना ही, पूरा समाज परिवार होता है। और ये अनर्गल इसी रूप से आए दिन कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। अगर आप सभी लोग शाम को या कभी जांच कर लें तो जितने भी अनर्गल रूप के अनर्गल रूप में वहाँ जितने नवयुवक इस टाइप से हैं, इन्हीं के संरक्षण में वहाँ फल फूल रहे हैं और इनका कोई आधार उस मंदिर पे नहीं बन रहा है। निराधार रूप से ये लोग मंदिरों का इसी तरह से कब्जा करने का इनका एक साजिश चल रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक विजय ढूल ने कहा कि एक तहरीर मंदिर के संचालक के द्वारा दी गई, सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने हासिल किया। घटनाक्रम की जाँच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो सिद्धेश्वरी मंदिर है उनके संचालक द्वारा एक तहरीर सदर थाने पे दी गई है, जिसमें उनके द्वारा मंदिर में ही रहने वाले श्री शिव प्रसाद पर आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा मोबाइल की चोरी की गई है और ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद होना उनके द्वारा बताया गया। उनकी इस तहरीर पर पुलिस के द्वारा जाँच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज मंदिर से थोड़ी देर पहले प्राप्त हुई है। इस फुटेज का अध्ययन करने के बाद जो भी तथ्य उसमें सामने आएंगे उसके आधार पे सुसंगत धाराओं में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि श्री सिद्धेश्वरी मंदिर हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। बीते कुछ सालों में इस मंदिर पर वर्चस्व को लेकर दो गुट आमने सामने हैं। दोनों गुटों में बराबर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। देखना यह होगा कि पुलिस मामले में क्या कार्रवाई करती है। सिद्धार्थनगर से राशिद फारूकी की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।